क्या कजाकिस्तान भी बनेगा हिंदू राष्ट्र? कौन है ये महिला जिसने कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है? दोस्तों, ये है मरीना टारगाकोवा, जो कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहती हैं, जिन्होंने भगवत गीता के माध्यम से कजाकिस्तान के लोगों तक सनातन के विचारों को पहुंचाया है। मरीना कोई आम महिला नहीं है, वे कजाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञ रह चुकी हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि मरीना को हिंदू धर्म से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने बहुत ही तेजी से इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है? ये जानने के लिए हमें मरीना के मिशन के बारे में जानना होगा। आपको बता दें कि मरीना कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने मिशन पर काम कर रही हैं। हिंदू राष्ट्र का प्रचार प्रसार करने के साथ ही कजाकिस्तान की महिलाओं को भगवत गीता की दीक्षा भी दे चुकी हैं। वे उन्हें भारतीय सभ्यता और रिवाजों से भी परिचित करवाती हैं। मरीना कई बार भारत भ्रमण भी कर चुकी हैं और कजाकिस्तान की महिलाओं को वृंदावन के दर्शन कराने के लिए ला भी चुकी हैं। दोस्तों, मरीना कजाकिस्तान में अपने इस काम को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। वे सनातन के बारे में लोगों को इतना जागरूक कर रही हैं, जिससे कि वहां की मुस्लिम आबादी को ये बात समझ आ जाए कि सनातन ही जीवन जीने का सही तरीका है। उन्होंने इसके लिए कई पुख्ता कदम भी उठाए हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मरीना न केवल दार्शनिक माध्यम से बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बातों को कजाकिस्तान के लोगों तक पहुंचाती रही हैं। वे कजाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर पॉडकास्ट और इंटरव्यूज के माध्यम से सनातन का प्रचार करती हैं। वे अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी कई वीडियोस शेयर करती हैं, जो भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके लिए कजाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में हिंदू धर्म को स्थापित करने का मिशन कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने वहां गीता इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है, जहां कजाकिस्तान के लोगों को गीता पढ़ाई जाती है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस इंस्टीट्यूट में हर साल बड़ी धूमधाम से गीता फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ के यूथ को भगवत गीता की वैल्यूज को भी सिखाया जाता है। कजाकिस्तान के युवा बेहद उत्साह के साथ गीता फेस्टिवल में भाग लेते हैं। इनमें ज्यादातर मुस्लिम लोग होते हैं। दोस्तों, कौन है मरीना जिन्हें कजाकिस्तान के लोग इतना पसंद करते हैं? इनके व्यक्तिगत जीवन को भी थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, मरीना का जन्म कजाकिस्तान में ही हुआ था। इन्होंने होम्योपैथी और साइकोलॉजी की पढ़ाई मॉस्को, जर्मनी और ब्रिटेन से की है, जिसके बाद ये बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट बनी। इन्हें कजाकिस्तान सरकार द्वारा बेस्ट एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट का खिताब भी दिया गया। मरीना कजाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञ भी रह चुकी हैं, पर इनका जीवन तब बदला जब इन्हें कजाकिस्तान भाषाओं में ट्रांसलेट की हुई भगवद गीता मिली। इन्हें धर्म में पहले से ही रुचि थी, पर जब मरीना ने भगवद गीता पढ़ी तब इन्हें ये रियलाइज हुआ कि इससे पहले इन्हें इतना दिव्य अनुभव कभी नहीं हुआ था। गीता पढ़ने के बाद ही इनका लगाव सनातन धर्म की ओर बढ़ा। मरीना को जीवन से जुड़े अपने सारे प्रश्नों के उत्तर गीता में मिले। इन्होंने जीवन जीने का सही तरीका, जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्य, संतुलन का महत्व, सब कुछ गीता से जाना और फिर इसका प्रचार करने का निश्चय किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मरीना अपने इन प्रयासों से कजाकिस्तान में कुछ बदलाव ला पाएंगी? जिस तरह विश्व के हर कोने में सनातन धर्म के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, क्या संपूर्ण सनातन विश्व का सपना अब साकार होने वाला है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।